नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और हिलेरी क्लिंटन के बीच 90 मिनट तक चली जोरदार बहस। ट्रंप ने ईमेल विवाद को लेकर हिलेरी पर साधा निशाना, तो हिलेरी ने पर्सनल ईमेल इस्तेमाल करने पर मानी अपनी गलती। अमेरिका के टेक्सास प्रांत के हॉस्टन शहर में हथियारबंद व्यक्ति ने बरसाई गोलियां, 9 लोग घायल। हमलावर को पुलिस ने किया ढेर। पाकिस्तान ने भारत पर लगाया आरोप। पाक चीफ राहिल शरीफ ने कहा, भारत कश्मीर जैसे ऐतिहासिक विवादों को सुलझाना नहीं चाहता। अफगानिस्तान की सीमा सुरक्षा हालातों का इस्तेमाल कर रही है भारतीय खुफिया एजेंसी। संयुक्त राष्ट्र में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के भाषण से तिलमिलाया पाकिस्तान। सुषमा के भाषण को बताया झूठ का पुलिंदा। सुषमा ने जम्मू कश्मीर को बताया था भारत का अभिन्न अंग। 5 दिवसीय विदेश दौरे के पहले पड़ाव पर नाइजीरिया पहुंचे उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी। व्यापारिक बैठक को करेंगे संबोधित। 29 सितंबर को जाएंगे माली। कोलंबिया सरकार के साथ शांति समझौते पर फार्क विद्रोहियों ने किया हस्ताक्षर। पिछले 52 सालों से चल रहा संघर्ष हुआ खत्म। समझौते के तहत यूरोपीय संघ ने फार्क विद्रोहियों को चरमपंथी संगठनों की सूची से हटाया। ओमान की अदालत ने एक निजी अखबार को बंद करने का दिया आदेश। 3 पत्रकारों को 3 साल की सुनाई सजा। पत्रकारों पर न्यायपालिका के भीतर भ्रष्टाचार के बारे में खबरें छापने का आरोप, जिससे देश की प्रतिष्ठा को हुआ नुकसान। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।